अभी हम रूम के अंदर है। ये देखिए हम कैसे ढंग से तैयार हुए हैं। चलिए आपको शादी में ले चलेंगे। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे साथ पूरा वीडियो बने देखने के लिए बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तो आप ये ज़रूर बताइए कि मेरा ये लुक कैसा लगा आपको और कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। आई होप आप लोग को अच्छा लगे और कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। चलिए आपको ऊपर दिखा देती हूँ। चलिए गाइज तब तक हम आपको अपना लुक दिखा देते हैं, क्रिएट कर देते हैं कि मैंने क्या क्या पहन रखा है। तो वैसे मैंने शादी के लिए ये साड़ी पहन रखा है और उसके अकॉर्डिंग अपने मैचिंग का पर्स ले रखा है, हैंड पर्स, तो आप देख सकते हैं। और मैंने किस तरह से तैयार रखा है तो सोचा कि आप लोगों के साथ दिखाते हैं और मिरर में दोनों साइड का लुक दिखाते हैं, अपने साइड से भी और मिरर साइड से भी। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहा है कॉमेंट करके और मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो आई होप उम्मीद करते हैं गाइज़ कि आपको ये मेरा लुक अच्छा लगे और मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगे। तो प्लीज़ बने रहिए और चलिए आपको अभी चलते हैं शादी में और वहाँ पर डांस और वहाँ का डेकोरेशन सब कुछ आपको दिखाते हैं और शादी भी। तो चलिए देखिए शादी में आ रहे हैं, सब लोग शादी में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और शादी में अगर पटाखे ना छूटे तो ये इसका मज़ा ही अलग होता है। अगर पटाखे ना छूटे तो बात ही अलग है। तो देखिए ये पटाखे छूट रहे हैं और कितने खूबसूरत से लग रहे हैं गाइस। तो ऐसे ही आप दिखाएंगे ऊपर में आसमान में जो पटाखे छूटते हैं वो भी सभी अलग से छोड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर लोग पटाखे छोड़ रहे हैं यहाँ पर बार बार के और जो जाके आसमान में अच्छे से फूट रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा गाइस कैसे शादी में पटाखे छूटते हैं, हर एक कुछ कुछ टाइम पर कुछ कुछ मिनट पर पटाखे छूटते रहते हैं। तो ये देखिए गाइस छूट रहे हैं और उसके बाद शादी में चलते हैं। अगर शादी में लाइटिंग ना हो डांसिंग में तो उसके बाद शादी फीका ही होता है। इसलिए लाइटिंग भी दिखाते हैं उसके बाद आपको डांस भी दिखाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था कर रखा है शादी में और ये जो गाने बजाने वाले लाइटिंग लेने वाले हैं। बारिश हो रहा था तो थोड़ा सा कीचड़ जैसे ज़्यादा हो रखा था। चलिए डांस और डांस ना हो शादी में तो उसके बिना सब कुछ फीका है, खास करके पंजाबी सॉन्ग। तो देख सकते हैं गाइस ले चलते हैं अंदर और वहाँ का थोड़ा डेकोरेशन दिखाते हैं, उसके बाद अंदर भी चलेंगे गाइस और खाना पीना सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस ये हम अंदर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा है और ये आपको मतलब खाने का इधर से बाहर से पूरा डेकोरेशन ये था, बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया था। एक तरफ कोल्ड ड्रिंक फिर खाना मतलब फास्ट फूड सब कुछ का अरेंजमेंट था। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं और खाना मतलब ऐसे भी बाहर से दिखा देते हैं, उसके बाद खाना भी दिखाएंगे आपको, कुछ कुछ हम लोग खाएंगे तो वो भी सभी। तो हमने यहाँ पे सूप पिया था, कोल्ड ड्रिंक पिया था और थोड़ा बहुत खाना खाए थे गाइस। तो देख सकते हैं आप। तो देखिए अब अंदर चलते हैं और शादी दिखाते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा ये खाना दिखा देते हैं, वो ये शादी जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये खाते हैं पास्ता। तो दिखाते हैं पास्ता कैसा है और हम लोग खा रहे हैं गाइस। तो सोचा कि आपको सस भी सेक करते हैं, उसके बाद शादी में चलेंगे, उसके बाद आने के बाद फिर खाना खाना खाएँगे हम लोग। अब चलिए अब हम इंडियन वेडिंग सेरेमनी में आए ही हैं तो वहाँ का इंडियन लुक भी देखते हैं और कैसे इंडिया में शादी होता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो चलिए आप लोग देखिए और एंजॉय करते रहिए गाइस। तो शादी में जाने का तो सबको मन करता ही है गाइस। तो चलिए हम भी गए हैं और आप सबको भी दिखाते हैं शादी। और ये जो ऊपर से फूल ऐसे बरसाया जाता है मतलब कागज़ का ही है जो भी हो, लेकिन उसका होता है कि लुक चेंज कर देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए गाइस हम यहाँ पर देखते हैं। और शादी तो होने हो गया, जयमाला हो गया, उसके बाद अब फोटोशूट तो होगा ही। तो ये बाहर से आपको चारों तरफ नज़ारा दिखा देते हैं जब हम लोग बैठ के सब आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे स्टेज पे और सब देख रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेज बना रखा, उसके बाद ये मंडप है गाइस, यहाँ पे शादी के सारी रस्में होंगी। तो देख सकते हैं और शादी हो उसके बाद फोटोशूट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए अभी फोटोशूट हो रहा है और उसके बाद थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो आपको सामने से सब कुछ दिखेगा गाइस। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए।
ये तो होता है कि शादी में सबसे पहले हम लोग के यहाँ जयमाला होता है। जयमाला होने के बाद उसके बाद शादी की रस्में होती हैं, तो जयमाला स्टेज पर होता है गाइस। उसके बाद और सब बहुत सारी रस्में होती हैं तो जो कि माड़ो में होता है। तो चलिए आपको माड़ो का नज़ारा दिखा देते हैं जो ऐसे बना अरेंज किया गया था। और यहाँ पर फोटोशूट है, यहाँ पर देखिए माड़ो, ये ऐसे माड़ो बनाया गया था। नीचे वो सब आम का पोलो जो रखा जाता है चौकी, तो उसे रखा गया था। चलिए आप इन्जॉय कीजिए। चलिए गाइस, मैंने तो बताया था कि अभी हमने खाना नहीं खाया है, अभी कुछ स्नैक्स में स्टार्टर्स लिए थे, तो वहीं अब आए हैं बाहर खाने खाने, क्योंकि सबको शादी में है तो हम लोग सोचे बाहर खाना खा लेते हैं। शादी तो हम लोग जयमाला तो देख ही लिया, तो हम लोग आए हैं खाना खाने। तो ये देखिए कितना जल्दी जल्दी खाना खाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुका था गाइस, भूख भी बहुत इसकी लग रखी थी। तो चलिए बाहर से मिल जाने के रास्ते में ये बाहर से ऐसे बना रखा था पानी वाले फुहारे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए गाइस, ये तो होता ही है गाइस कि अगर कोई शादी में गया है और शादी देखे तो शादी अपना याद आ ही जाता है, अपना हर एक मोमेंट याद आता है। तो वही हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करें कि क्या ही मतलब याद आ रहा है आपको, कैसा लग रहा है। तो चलिए आपको सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देते हैं थोड़ा सा फनी मोमेंट और रोमांटिक सा मोमेंट। तो आप लोग भी देखिए बताइएगा गाइस कि कैसा लग रहा है, और आप लोग भी बताइए कि आपको भी याद आता है। तो गाइस आपको ये हमारा ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा, इंजॉय किए होंगे, मस्ती किए होंगे। तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इंडियन ऐसे ही वेडिंग में जाते हो तो ऐसे ही तैयार होते होंगे, और ऐसे कैसे भी अच्छे से तैयार होते होंगे गाइस, तो ऐसे मस्ती करते होंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ देखें और इंजॉय करते रहिए गाइस। और अगर आपको अपना दिन याद आता आ रहा हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि जैसे हमने अपना किया तो आप भी ऐसी मस्ती करते हैं कि क्या। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम इसलिए गाइस कि ऐसी आप मस्ती करते रहिए और अपने सपनों में डूबे रहिए, खोए रहिए, और ऐसे शादी में एंजॉय करते रहिए। शादी में क्या, अपने हर एक लाइफ के हर एक पल में एंजॉय करते रहिए।